नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सीनियर्स वुमेन्स क्रिकेट में एक बड़ी सफलता अर्जन की जलपाईगुड़ी पूर्वांचल के उच्च विद्यालय की एक मध्य वर्गीय लड़की रुकमणी। सीनियर्स बेंगल्स वुमेन क्रिकेट में अवसर प्राप्त हुआ रुकमणी को। जलपाईगुड़ी की लड़की के हिसाब से यह रुकमणी का बहुत बड़ा सफलता है। रुकमणी एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की है। उनके पिता अशोक राय बहुत वर्षों से पैर में समस्या होने के कारण घर में ही रहते हैं। अशोक राय का लड़का किशन राय जलपाईगुड़ी के दीन बाजार में एक छोटा होटल में काम करते हैं, उसी से उनका परिवार का गुजारा होता है। पारिवारिक समस्या से जूझने के बावजूद रुकमणी का क्रिकेट के प्रति रुचि एवं उसका प्रतिभा देखकर उनकी सहायता के लिए आगे आए जिला क्रीड़ा संस्था सचिव कुमार दत्त, रुकमणी के कोच उदय राय एवं विद्यालय ने भी उनका बहुत मदद किया। रुकमणी के परिवार के सदस्यों का कहना है कि रुकमणी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में रुचि था। रुकमणी का घर जलपाईगुड़ी के राजबाड़ी पारा में है एवं रुकमणी लेफ्ट हैंड स्पिनर है। 20 व्यक्तियों के लिस्ट में सीधा स्पिनर बेंगल्स वुमेन में अवसर प्राप्त हुआ रुकमणी को। यद्यपि रुकमणी अभी कलकत्ता के कैप कोचिंग सेंटर में है, उन्होंने फोन पर बताया कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करके इंडियन टीम में खेलने का इच्छा रखती है रुकमणी। पारिवारिक अवस्था की अवस्था तो माने सही रकम नाई धरते गेले ए टाइम शून्य चले की करे बाबा करते बाबा तो कुछ करे ना ও দাদা উপরে সব কিছু ছোট ভাই কি করে দাদা দাদা ওই যে ছোট একটা দোকান আছে হোটেল সেরকম এখন চলে না ধরতে গেলে ওর বাবার কি সমস্যা সমস্যা এই যে অনেকদিন থেকে তো বিছনায় পড়া ওই দিয়ে করলাম কোনো ইয়ে হলো না আমাদের জেলার মেয়ে জলপাইগুড়ির টাউনেরই মেয়ে রুকমিনী রায় আমার যে ডিএসএর কোচিং ক্যাম্প আছে সেবের দ্বারা পরিচালিত সেই কোচিং ক্যাম্পেরই মেয়ে রুকমিনী রায় আমরা আজকে চিঠি পেলাম একটা দেববোধ মুখার্জির নামে যে সিবের জয়েন্ট সেক্রেটারি উনি ওনার লিস্ট দেখলাম একটা যে আমরা জলপাইগুড়ি রুকমিনী রায় বেঙ্গল সিনিয়র টিমে 20 জনের মধ্যে আছে। আমরা সত্যি গর্বিত এবং আনন্দিত, কিন্তু আমি আরও বেশি খুশি হব যদি ও 14 জনের মধ্যে থাকতে পারে। 20 জনের স্কোয়াডে আছে বেঙ্গল টিমের, তো এইভাবে যদি ও 14 জনে আসতে পারে তাহলে আমরা সত্যি গর্ব অনুভব করবো। এবং যাই হোক, একদম বলতে গেলে আমাদের এই সব অঞ্চল থেকে এই ধরনের মেয়েরা উঠে আসছে, শুধু জলপাইগুড়ি না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নর্থ বেঙ্গল থেকে বেশ কটা প্লেয়ার, বেশ কিছু খেলোয়াড় যারা কলকাতা বেঙ্গল টিমে খেলছে। রিচা ঘোষ সবাই জানেন যে শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা, ও তো ইন্ডিয়ার টিমে আছেন। আমাদের এই রুকমিনী রায় বেঙ্গল টিমে গেলেন, মাথাভাঙার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, সেখানে এটা নর্থ বেঙ্গলের পক্ষে ভালো এবং আমাদের পক্ষে তো অবশ্যই ভালো। রুকমণী রায় আমাদের সিনিয়র বেঙ্গল ওমেন্স টিমে 20 জনের লিস্টে চান্স পেয়েছে এবং ও 20 টিমের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছে, অনেকদিন ধরেই প্র্যাকটিস করছে সিনিয়র বেঙ্গলের সঙ্গে। এর আগে আন্ডার 23 লিস্টে ছিল, এবার ডাইরেক্ট ওকে সিনিয়র টিমে নিয়ে আসছে এবং ওর বলটা খুব ভালো লেগেছে কোচের, যার জন্য ওকে টিমে রেখেছে আপাতত। আশা করছি ও খেলে যাবে, একটা দিন ভালো জায়গায় যাবে, কারণ লেফট আর্ম স্পিনার খুব ভালো এবং লেফট আর্ম স্পিনার ক্রাইসিসও আছে বেঙ্গলে, সেই জন্য চলে যাবে, একটা ভালো জায়গায় উঠবে। देवी चौधरानी मंदिर के समयकालीन 400 वर्ष पुराना भद्रकाली मंदिर के वहाँ पर अभी भी 400 वर्ष पुराना एक कुआं देखा जाता है। जलपाईगुड़ी के सेनपारा इलाका में इस प्रकार का एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, जो जलपाईगुड़ी के बहुत व्यक्ति ही इस बात को नहीं जानते हैं। वर्तमान में इसकी देख रेख में है वंश परम्परागत रायसेन वंश के उमेश सेन। बहुत वर्षों से ही इस मंदिर में भक्तों का आगमन कम होने पर भी इस मंदिर में भक्तगणों का जो मनोइच्छा होता है या फिर भक्तगण किसी मुसीबत में पड़ने पर इस मंदिर की शरण में आने पर उन लोगों का मनोइच्छा पूरा होता है, भक्तगणों से इस बात की जानकारी मिलती है। जलपाईगुड़ी सह उत्तर बंगाल के अतिरिक्त विभिन्न राज्य के भक्त वर्तमान में यहाँ पर आते हैं, उनकी सभी मनोकामना यहां पूरा होता है कहकर जानकारी दिए वर्तमान में मंदिर दायित्व पर रहे उमेश सेन। इस मंदिर में प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा में भोग लगाया जाता है एवं भोग का प्रसाद भक्तगणों में वितरण किया जाता है। इस मंदिर के साथ एक बहुत पुराना कुआं है, यह 400 वर्ष पुराना कुआं देखने के लिए बहुत व्यक्ति ही आते हैं। वर्तमान में इस कुआं का ना ही कोई मरम्मत है और ना ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुआ है, फिर भी मंदिर दायित्व पर रहे उमेश बाबू समस्त ही अपने दायित्व पर भद्रकाली मंदिर का देख रेख किए जा रहे हैं। আমি অনেক বছর হলো আছি এখানে, হ্যাঁ অনেক বছর হলো আছি এখানটায়, মা খুব জাগ্রত,
আমি নিজেই দারুণ অসুস্থ ছিলাম, তাতে মায়ের আশীর্বাদে আমি উঠে দাঁড়াতে পারি, একদম পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, এই এক মায়ের আশীর্বাদে আমি অনেক অসুস্থ হই, আবার সুস্থ হয়ে যাই, ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ, খুব জাগ্রত ঠাকুর। আমরা কোনো কিছু হলে মাকে পুজো দিতে আসি, প্রত্যেক অমাবস্যায় এখানে পুজো দিই। হ্যাঁ, বহু প্রমাণ পেয়েছি। আমি 48-এ এইখানে এসে দেখছি এই পূজা এইখানে হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন আমরা এইখানে কোনো ইয়েতে এই একই পূজা ছিল, আমরা অনেক সময় এখানে অনেক মানুষ করে ইয়ে করে ফল পাইছি। এখন এখনও আমার এই যে ভুল করতে কালকে আসা ভুলে গেছি, আমাকে ঠিক মা মনে করে দিচ্ছে, আমি আজকে সকালবেলা এসে দিই না, পূজা হয়ে যায়। উনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু উনি স্বপ্নে দেখছে এই মা গিয়ে বলছে যে তুই ওইখানে যা, হেঁটে হেঁটে যা, তাহলে তুই ভালো হবে। উনি কিন্তু ওই লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটেই আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফল পেয়েছি, আমি তো অনেক ফল পেয়েছি অনেক। ওনার উনি ওই লাঠি ভর দিয়ে এসে মা বলে প্রায়ই ওনার সঙ্গে এরকম স্বপ্নে বলে, একটা মেয়ের রূপে আসে বলে। আমরা ফল পেয়েছি, অনেক ফল পেয়েছি। যখন একদম বিপদে পড়ি তখন মাকে যখন স্মরণ করি, মা ঠিক তুলে দেন। আমি এই ভদ্রকালী মন্দিরে বর্তমান আমি দেখাশোনা করছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মন্দির কে করেছে কেউ বলতে পারে না। আমার আনুমানিক 300-400 বছর আগের হবে এটা। এখানে একটু কুয়ো আছে যেখানে একটা সন লেখা আছে, 1031 সন। তাছাড়া মায়ের মন্দিরে মা যেখানে দাঁড়িয়েছে তার নিচে আরেকটা মন্দির আছে, পাকা ই আছে। 1968 সালে বন্যা সেটা মাটি পড়ে চাপা পড়ে যায়, তখন এই মায়ের মূর্তিটা অক্ষত ছিল, আমরা দেখেছি। আর এই মায়ের পূজায় বহু ভক্তের সমাগম হয়। বৎসরে 2 বার পূজা হয়, শ্যামা পূজা উপলক্ষে আশ্বিন কার্তিক মাসে যে কালী পূজা হয় তখনও মায়ের এই পূজা হয়। আর মূল পূজা হয় বৈশাখের অমাবস্যায়, সেই সময় প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এবং আমার যা ধারণা, ভক্তরা এখানে আসেন বিভিন্ন দূর দূরান্তের থেকে, মার কাছে নিশ্চয়ই তারা উপকার পান। হ্যাঁ, এরকম বহু নজির আছে আর কি মায়ের। এই মন্দির 300-400 বছর আগের হবে, আমাদের পূর্বপুরুষদের এটা। পুরোনোর মধ্যে এখানে ওই যে একটা ইন্দ্রা রয়েছে, আর মন্দিরটার আগে মাটির ছিল মূর্তিটা, সেটা এখন পাকা করা হয়েছে, সেটা সংস্কার করে লোকজন বসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর 12 মাসেই এখানে ফুল টুল চাষ করা হয়। মায়ের মন্দিরটার সন্দেহ ভদ্রকালী মা, হ্যাঁ, 400 বছরের উপরেই হবে। বর্তমান পরিস্থিতি এখন এই অবস্থায় আছে। আমরা এই পূজা পার্বণ প্রতি অমাবস্যায় পূজা এখানে ভোগ হচ্ছে। হ্যাঁ, ভক্তদের দেখছেন যে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছে এখানে, যারা উপকার পান তারাই এখানে আসে মাকে পূজা দেন। রক্ষণাবেক্ষণ আমি নিজেই করছি, মার যা করার আমি করছি, আর আমার ভাই কিছুটা হেল্প করে। হ্যাঁ, এইভাবেই মায়ের পূজা পার্বণ 12 মাসেই আমরা করে থাকি। চাঁদা টাদা না, কোনো সরকারি সাহায্য আমরা পাই না, এবং চাঁদা তুলে পূজা করি না। हिमगढ़ प्राधिकारी के विरुद्ध में आलू का बॉन्ड वितरण पर काले बाजारी का आरोप लगाकर अलीपुरद्वार के फालाकाटा के खड़ा कदम इलाका में एशियन हाईवे पर अवरोध में शामिल हुए उग्र कृषक। कृषकों का आरोप है कि उस हिमगढ़ में शेयर होल्डर होने के बावजूद हिमगढ़ के प्राधिकारी कृषकों के लिए आलू संरक्षण का निर्दिष्ट परिमाण बांध दिए हैं। कृषकों का आगे कहना है कि कृषकों को वंचित करके हिमगढ़ के प्राधिकारी आलू व्यवसायियों को पीछे के गेट से आलू का बॉन्ड विक्रय कर दे रहे हैं। अवरोध हटाने की कोशिश में पुलिस जाने पर भी अवरोध में शामिल कृषक किसी भी कीमत पर आंदोलन उठाने के लिए राजी नहीं हुए। सप्ताह के दूसरे दिन भी काम काज वाले दिन गुरुत्वपूर्ण सड़क अवरोध करके तीव्र जांझट का सृष्टि कर दिए एशियन हाईवे पर आंदोलनकारी। यद्यपि कृषकों का इस आरोप के जवाब पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिए हिमगढ़ के प्राधिकारी। अंत में पुलिस के हस्तक्षेप पर 4 घंटा के बाद अवरोध को उठा लिया गया। सर, हमारे स्टोरता देखते সেটা আমরা শেয়ার হোল্ডার, আমরা কয়েকদিন যাবত এখানে ঘুরতেছি, আমাদের বনের জন্য আমরা আলু সংরক্ষণ করতে চাই, কিন্তু এই স্টোর কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েকদিন ধরে ঘুরাচ্ছে, শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে যে না, 20 প্যাকেটের বেশি দিব না। আজকে 25 বছর আগে আমরা যে স্টোর তৈরি করতে সহযোগিতা করেছি, আমরা যে শেয়ার হোল্ডারে আছি, আমাদের কি দামটা রইলো বলেন তো? আমরা গরিব চাষি, আজকে কষ্ট করে আলু চাষ করছি, এখন বাজারে যে পজিশন আছে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই, কিন্তু আমাদের দিচ্ছে না, কিন্তু ওনারা ব্যবসায়ীকে শেয়ারগুলো দিয়ে দিচ্ছে, ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিচ্ছে, অথচ আমরা পাচ্ছি না, তার জন্য আমাদের এই আজকে আন্দোলন।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की व्यर्थता के कारण बंगाल क्रमश पीछे जा रहा है एवं यहां पर कार्य का अवसर नहीं है, इसलिए स्थानीय मनुष्य काम की खोज में दिल्ली उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति राज्य में चले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर मालदा जिला के गाजोल कॉलेज मैदान में बीजेपी द्वारा आयोजित एक दलीय सभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अभी की पश्चिम बंगाल सरकार का उन्नयन की तरफ ध्यान नहीं है। इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार अभी पूरी तरह से व्यर्थ हो चुका है। बंगाल के मुख्यमंत्री का कुछ कुछ बातें तो राज्य के लिए अपमानजनक है। आसन्न विधानसभा निर्वाचन में सामग्रिक उन्नयन स्वार्थ के लिए बीजेपी सरकार गठन के लिए प्रत्येक मनुष्य को आह्वान जनाए है उन्होंने। उनका दृढ़ विश्वास है कि केंद्र और राज्य एक ही दल का सरकार होने से विकास का गति और तीव्र बढ़ेगा, इसी कारण डबल इंजन सरकार की जरूरत है, कहकर जानकारी दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिसने भारत के अंदर देखते ही देखते आजादी के बंधनों को वंदे मातरम के इस मंत्र के माध्यम से विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के एक नया जोश और एक नया तेज दिया था। और भाइयों बहनों, एक बार फिर से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के सामाजिक और यहाँ की आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके बंगाल की पहचान को अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आपके पास विधानसभा चुनाव के माध्यम से आया है। मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूँ, ये बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता केवल अब ये एक महीने का मात्र समय है, एक महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये आपका जमानत इस बात को प्रदर्शित करता है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, बस हाँ मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में पत्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वो फिर से देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपने जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। और तब उस समय के लिए हम सबको अपने को तैयार करना होगा, सारे मतभेदों को बुला करके बंगाल को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए, बंगाल को विकास की राह पर ले चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बंगाल के नागरिकों को भी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। कितना भी उम्र क्यों ना हो, उम्र उन्हें हरा नहीं सकता, हमेशा ही मनुष्य के पास खड़े रहते देखा जाता है। कुछ बिहार शासक दल के तृणमूल कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण संगठन तथा उत्तर बंगाल कांग्रेस का मुख्य रविंद्रनाथ घोष को मंगलवार उसी चिराचरित अभ्यास में अपने विधानसभा केंद्र नाटावाड़ी 1 नंबर अंचल के पानियासाला इलाका में देखा गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रचार चलेगा दिन रात, हर व्यक्ति के पास पहुंचना होगा उनका दुख दर्द जानने के लिए, और इसलिए शरीर का ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है। शरीर की देखरेख करने के लिए ही पुराने छंद में वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह होते ही खान पीन होने से सारा दिन शरीर मन चंगा रहता है। सिर्फ अपना ही नहीं, जिला प्रचार में रहे हर नेता कर्मियों को इस प्रकार का खान पीन का निर्देश दिया उन्होंने। नाटावाड़ी का मतलब रविंद्रनाथ घोष एवं रविंद्रनाथ घोष का मतलब नाटावाड़ी। पार्थिव घोषणा के पहले रविंद्रनाथ घोष का यह भूमिका और एक बार फिर साबित कर दिया इस बात को। यद्यपि बीजेपी की तरफ से इस विषय पर कटाक्ष किए जिला सह सभापति संजय चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि रविंद्र घोष बीमार है, इसलिए खान पीन पर उनका ध्यान देना जरूरी है। ग्रामीण मानुष तारा आमाके भालोबासे, सकाल बेला अनेक दिन ना खाई आसते हैं, ताई कोनो ग्रामेर मानुष कोनो बाड़ीते दई आटिया कला एटा ग्रामेर मानुषेर एटा प्रथा अनुजायी खाबार, सेई अनुजायी आमिओ खाई, पेटो ठंडा थाके, खिदाओ मिटे जाए। तो एटा आमरा
কুচবিহারের মানুষ খেয়ে থাকি, দই চিড়া আটু আটিয়া কলা, কখনো গমের গুড়ে আটিয়া কলা, এগুলো আমরা খেয়ে থাকি। এটা পেটটা ভালো থাকে, পেটটা ঠান্ডা থাকে, খিদাও কম লাগে, এবং মানুষ গ্রামের মানুষ ভালোবেসেই আদর করেই যত্ন করেই এটা আমাদের খাওয়ায়। কর্মীদের একটাই বার্তা, আগামী দিনে আরও উন্নয়নের জন্য, আরও পরিষেবার জন্য, যারা প্রতারণা করেছে 19 লোকসভা নির্বাচনে ভোট নিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে, কথা দিয়ে কথা রাখেনি, তাদের একটিও ভোট নাই। মমতা মাঝির হাতকে শক্ত করতে, আরও পরিষেবা উন্নয়নের জন্য জোড়াফুল চিহ্নে মমতা মাঝির প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আবেদন এলাকাবাসীর কাছে রাখলাম। চ্যানেল বাংলা কা হিন্দি সমাচার আবি তক ইতনা হি, নমস্কার।